Once the peptidyl transferase reaction has occurred the tRNA in the P site is deacetylated that is it is no longer attached to an amino acid and the growing polypeptide chain is linked to tRNA in the A site for a new round of peptide chain elongation to occur the P site tRNA must move to the E site एंड दी ए साइड टी आर एन ए मस्ट मूव टू दी पी साइट यानी कि जो पी साइड पे है वो ई e साइड पे चला जाए और जो ए साइड पे है वो पी साइड पे आ जाए और इस तरह से ए साइड जो है वो फिर फ्री है एट द सेम टाइम दर एन ए मस्ट मूव बाई थ्री न्यूक्लियोटाइड टू एक्सपोज दू कोडॉन जैसे ही ये जो है टी आर एन ए मूव हो रहे हैं एम आर एन ए का जो स्ट्रैंड है वो भी तीन न्यूक्लियोटाइड मूव होना चाहिए ताकि नया कोडोन जो है वो एक्सपोज हो दीज मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड विद इन द राइबोसोम एंड आर कोलेक्ट कोलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ट्रांसलोकेशन द इनिशियल स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन आर कपल्ड टू दैप्टेडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन Once the growing peptide chain has been transferred to the A site tRNA the A site and P site tRNAs have a preference to occupy new positions in the large subunit the 3 prime end of the A site tRNA is bound to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the P site of the large subunit. The now deacetylated P site tRNA is no longer attached to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the E site of the large subunit. In contrast, at this time, the anticodons of these tRNAs remain in their initial location. इन दब यूनिट बाउंड टू दर एन ए तो इनके जो एंटीकोडॉन्स हैं जो कि स्मॉल सब यूनिट हैं वो उसी पोजिशन पे रहते हैं हालांकि ये जो टी आर एन ए नई पोजिशन पे आ गए हैं दस ट्रांसलोकेशन इज इनिशिएटेड इन दार्ज सब यूनिट बिफोर द स्मॉल सब यूनिट एंड दी आर एन ए आर सेट टू बी इन हाइब्रिड स्टेट तो अभी चूंके ट्रांसलोकेशन जो है वो लार्ज सब यूनिट में हो गई है और स्मॉल सब यूनिट में नहीं हुई इसलिए हम टीआरएनएस को कहते हैं कि ये अभी हाइब्रिड स्टेट में है देयर थ्री प्राइम एंड हैव शिफ्टेड इन टू न्यू लोकेशन बट देयर एंटीकोडॉन एंडस आर स्टिल इन देयर प्रीपेप्टेडाइल ट्रांसफरेज पोजिशन वही यानी कि थ्री प्राइम एंड जो है वो शिफ्ट हो गए हैं लेकिन जो उनके एंटीकोडॉन एंड है वो उसी जगह पे है इंपॉर्टेंटली दिस चेंज इज एसोसिएटेड विद अ काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट रेलेटिव टू दी लार्ज सब यूनिट फेसिलिटेटिंग इंट्रैक्शन ऑफ टी आर एन एज विद डिस्टिंक्ट टी आर एन ए बाइंडिंग साइट इन डिफरेंट सब यूनिट तो ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये काउंटर क्लॉक वाइज जो है ये रोटेट होके इनकी बाइंडिंग को टी आर एन एस की बाइंडिंग को फेसिलिटेट करता है द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ अ सेकेंड लोंगेशन फैक्टर विच इज कॉल्ड ई एफ जी आपको याद होगा फर्स्ट लोंगेशन फैक्टर ई एफ टी यू है तो ये जो सेकेंड लोंगेशन फैक्टर है ये ई एफ जी है इनिशियल बाइंडिंग ऑफ ई एफ जी दी राइबोसोम अकर्स वेन एसोसिएटेड विद जी टी पी ये भी ई एफ टी यू की तरह जब जी टीपी के साथ एसोसिएट होगा तो इसकी बाइंडिंग होगी राइबोसोम के साथ आफ्टर दी पेप्टीडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन ई एफ जी जी टीपी बाइंड टू एंड स्टेबलाइजेज द राइबोसोम इन द रोटेटेड हाइब्रिड स्टेट तो जब ये स्मॉल सब यूनिट जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था और हाइब्रिड स्टेट में आ गया इस वक्त ये जो ई एफ जी जी टी पी बाइंड करेगा और इसको इसी हाइब्रिड स्टेट में स्टेबलाइज करेगा वेन ई एफ जी जी टी पी बाइंड इट कॉन्टेक्ट दैक्टर बाइंडिंग सेंटर ऑफ द लार्ज सब यूनिट विच स्टिम्यूलेट्स जी टी पी हाइड्रोलिस अब जो है जब ये बाइंड हो जाएगा तो फिर जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी जीटीपी हाइड्रोलिस चेंजेस द कंफर्मेशन ऑफ ई एफ जी विद टू कंसिक्वेंसेस फर्स्ट इंट्रैक्शन बिटवीन ई एफ जी जी डी पी एंड आर थॉट टू अनलॉक राइबोसोम ये समझा जाता है कि अब ये जो है ये राइबोसोम को अनलॉक करेगा

EFG GDP conformation binds to the A site of the decoding center this interaction competes with the tRNA for binding to the A site of the decoding center because the ribosome is unlocked the formerly A site tRNA can move into the P site allowing ई एफ जी जी डी पी टू बाइंड द ए साइट तो चूंकि ये राइबोसोम अनलॉक हो गया है विच मीन्स गेट्स ओपन है गेट्स बिटवीन ए एंड पी साइट पी एंड ई साइट इनके दरम्यान जो ओपन है तो इसका मतलब है अब इजीली जो ए साइट के साथ माइनोसाइल टी आर एन ए अटैच है वो इजीली मूव हो सकता है पी साइट पे और ई एफ जी जी डी पी जो है वो आके अब ए साइट में अटैच हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन इज अकंपनीड बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन अब ये जो ट्रांसलोकेशन एक्चुअली हो चुकी है और ये ट्रांसलोकेशन कंप्लीट होगी जब ये स्मॉल सब यूनिट रिवर्स करेगा यानी कि पहले ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया था और अब ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे हाइब्रिड स्टेट से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा तो ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो गई है द रिजल्टिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर हैज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द एफिनिटी फॉर ई एफ जी जी डी पी अब जो रियल स्टेट में या स्टार्टिंग पोजीशन में जब राइबोसोम आएगा तो इसकी ई एफ जी जी डी पी के लिए एफिनिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगी जिसका मतलब है एफ जी जो है वो इससे रिलीज हो जाएगा एफिनिटी कम होगी तो इसका मतलब है वो रिलीज हो जाएगा रिलीज ऑफ ई एफ जी रिजल्ट इन द रिटर्न ऑफ द राइबोसोम टू अ लॉक्ड स्टेट इन विच द टी आर एन एज एंड एम आर एन ए आर वंस अगेन टाइटली एसोसिएटेड विद द स्मॉल सब यूनिट डी कोडिंग सेंटर एंड द गेट्स बिटवीन ए पी एंड ई साइट्स आर क्लोज्ड तो वो गेट जो के ओपन हुए थे और राइबोसोम अनलॉक हुआ था अब स्मॉल सब यूनिट के वापस रोटेट करने की वजह से और ईएफजी के रिलीज होने की वजह से अब ये जो गेट्स हैं ये क्लोज हो गए हैं और हम कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो दोबारा से लॉक हो गया टुगेदर दीज इवेंट्स रिजल्ट इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द ए साइट टी आर एन ए साइट, साइट दी साइट टी आर एन ए साइट एंड द मूवमेंट ऑफ एम आर एन ए बाय एग्जैक्टली थ्री बी एस पेयर्स ये सब कुछ जो है ये एंड ऑफ ट्रांसलोकेशन है द राइबोसोम इज नाउ रेडी फॉर अ न्यू साइकिल ऑफ अमाइनो एसिड एडिशन टू बिगन